कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में, पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब महिलाओं मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं, बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने जिंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभिजी केवन